Hello everyone, I'm Gajendra Singh Shekhawat, Member of Parliament and representing Jodhpur, Rajasthan, a western part of the country. Many of you, you must be knowing me and have followed me on the social platform Quora. But apart from that, I also happen to be the National General Secretary of the Farmers Wing of Bharatiya Janata Party. You might have, many of you would have followed me and read my answers on Quora. It's a popular social media site. और मैंने ये साइट पे काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि देश इट इज़ राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ यू द यूथ गाइज एंड दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट विद यू. एंड जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया और जो यूथ से, देश के युवाओं से, देश के विभिन्न पार्ट पे एरियाज में रहने वाले युवाओं से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा, आई फाउंड कि यूथ में स्पार्क है, फायर है और एक पैशन है. और उस पैशन के कारण से के साथ ही हम इस देश को एक कैरिश्मेटिक कंट्री के रूप में बदल सकते हैं. दोस्तों, युवाओं के साथ में ये जो सॉलिड रिलेशनशिप मेरी ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया या रियल लाइफ में बनी है, क्योंकि मैं भी, मेरा कैरियर मैंने अपना जो है वो स्टूडेंट लीडरशिप से शुरू किया है. मैं समझता हूँ कि ये मेरे इस यात्रा का, जो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कर रहा हूँ, ये सबसे अहम और सबसे स्मरणीय मुकाम है. आई थिंक फॉर मी इट्स एन ऑनर टू एसोसिएट विद द ग्रेट फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव विच रोमन हैज टेकन. एंड बट द इस पे बात करते हुए व्हाट आई फील, मुझे जो लगता है कि इतिहास में जब मैं देखता हूँ कि इस रोमन ने जो ये अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बनाया है, व्हाट आई रिमेम्बर इज एकलव्य. एकलव्य को उस समय की परिस्थितियों, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण से उसको जो चांस नहीं मिला था, और उसने जो अपने टीचर को जिस तरह से दूसरे बच्चों को पढ़ाते हुए, दूसरे बच्चों को सिखाते हुए देख करके, उनसे प्रेरणा लेकर के और अपने आप को एक मास्टर मार्क्समैन के रूप में एस्टैब्लिश किया, मुझे लगता है कि आज के युग में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैनी ऑफ देम, जो कुछ करना चाहते होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे आर विलिंग टू क्रैक द एग्जामिनेशंस, बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, दे आर नॉट गेटिंग द राइट पाथवेज. और व्हाट आई फील इज कि रोमन का ये जो अन अकेडमी का इनिशिएटिव है, दिस कैन डू वंडर्स. एंड ये जो 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 लोगों के पास, जो ऐसे युवाओं के पास में जिनके पास में क्षमता है लेकिन ऐसे संसाधन नहीं है, दिस कैन गिव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू देम. एंड मैं ये सोचता हूँ कि आज के समय में इस देश में अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना भविष्य संवारने में अन अकेडमी उनके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है. मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ रोमन को और उसकी सारी टीम को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑल इंडिया इवेंट टीचेथॉन. और टीचेथॉन में जिस तरह से उन्होंने एक साथ में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे युवाओं को मोटिवेट करके और बेस्ट कोर्सेज को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो है इनिशिएटिव लिया है. एंड आई थिंक आई वेलकम to all of you to join and compete on this noble initiative. Create, collaborate, compete and change the way learning happens. One of the evaluators of An Academy works closely as a core team member of my office. Her name is Palak Sharma, and I have seen an empathy and the passion towards teaching in Palak. And similarly, a lot of evaluators like Tina Malhotra, Abhishek Srivastav, Shraddha Ratra, Harshita Jain, I've seen a wonderful empathy and working aptitude in them. And I truly give them to do their best
एंड आई विश कि वो इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए एक नया देश में कीर्तिमान कायम करेंगे, और उन लोगों से इंस्पायर होकर के मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे नए लोग जुड़ेंगे और वो इस फोरम को एक सक्सेसफुल फोरम के रूप में पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे. टीचेथॉन शैल बी नॉट ओनली योर ट्रायल बट बी फायर बट आल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो. अभी ठीक इसी तरह का एक काम मैंने भी अपने ऑफिस में शुरू किया था, एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली एंड आई थिंक बिगेस्ट सोशल मीडिया लेट इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें देश भर के लगभग 270 ऐसे बच्चे जो देश के सारे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन से आते हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर वर्किंग फॉर द पॉलिसी प्लानिंग. एंड उनका जिस तरह से ब्रेन स्ट्रॉमिंग किया और उन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया, आई थिंक दे आर पुशिंग, दे आर डूइंग द बेस्ट. एंड जो रिसर्च व्हाट दे आर डूइंग विद दैट रिसर्च, वी आर ट्राइंग टू पुश दैट टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड पब्लिश दैट रिसर्च. एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द जो बच्चों ने काम किया, आई थिंक जिस तरह का बबलिंग एंथुजियाज्म जो मैंने देखा उनके ऊपर, और जो यूनिकनेस ऑफ आइडियाज इन इवेल्युएटर्स जो मेरे साथ में काम करने वाले बच्चों के साथ में मैंने देखा, जिस अंत्योदय मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह का एंथुजियाज्म और जो बबलिंग स्पार्क है दैट आई एम सीइंग इन द टीम ऑफ द इवेल्युएटर्स आल्सो, एजुकेटर्स आल्सो. एंड आई थिंक आई विश कि वो इसमें जो है एक नया कीर्तिमान इस देश में स्थापित करेंगे. एंड at the end I wish to say that the topics you should be focusing on should be relevant but also multi-sectoral, and I will give an empathy of something that I have been involved in so that you may find an example for you to emulate. मैं पिछले बहुत साल से एक platform पर काम कर रहा हूँ एक organization के साथ में, that is Forum for Integrated National Security. And in that platform, on that platform, we works on strategy planning. इस देश में बहुत सारे sectors में, छोटे छोटे अलग अलग sectors में subject specific strategy planning पर काम होता है, like business strategies पर काम होता है, industrial strategies पर काम होता है, but in general strategy planning पर अगर कहीं काम होता है तो उस platform पर हम लोग काम करते हैं. And I think that is the need of the hour. And जो I wish कि you should also focus and find out the existing gaps and unmet need and a subject that is not highly relevant but also highly necessary. I wish you all good success and invite you to put your entries before 15th of this month, and we shall be judging which courses are the best courses among the lot. Best of luck to all of you. And thank you, Roman. Thank you, an academy team. Thank you very much. Chalo.